from the voting rights and also from the citizenship rights. Whereas the contradiction is the same section of society has given India two prime ministers, Dr. Manmohan Singh and I.K. Gujral. So I think this is again indicative of the fact what we have been talking, reiterating time and again, that Article 70 was misused, or maybe may I dare say abused, precisely by those who were the most vociferous votaries of it. It never helped the common man, whether it was from Jammu or even in Srinagar. Even if you ask common man in the streets of Srinagar or Kashmir, they will also, in heart of heart, approve of the abrogation of Article 370. Sir, kya is bar Kashmir mein phool kamal khilega aapko lagta hai? Har jagah kamal hi kamal khilega. Sir, 2 minute dijiye. Aur फटाफट से जरा नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, जहां से एक और हॉट सीट के हॉट सीट पर वोट करने के लिए पहुंचे इंजीनियर रशीद. इंजीनियर रशीद ने मीडिया से थोड़ी देर पहले बात की है, क्या कुछ इंजीनियर रशीद कह रहे हैं इसको भी फटाफट से सुन रहे हैं, और उसके बाद सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर पर चलेंगे जहां से ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. किसी चीज की कदर नहीं की. ये वोट मेरे लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं भी यही अर्ज करूंगा हर एक वोटर से कि आज 6 बजे तक आपका काफी भाव है. 6 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, जितने भी आप मुझे माफ करें, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर द मीडिया, यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, लेकिन 6 बजे के बाद सारे मीडिया हाउसेस, पूरे कंट्री का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर आया हुआ है ये देखने के लिए कि कश्मीरी अभी मरे हैं कि जिंदा हैं. आज 6 बजे के बाद कश्मीरियों को, मुझे माफ करें, कुत्ता भी नहीं पूछेगा. 6 बजे के बाद कश्मीरी फिर बेबस होंगे, पुलिस राज पे होंगे, थाने के एसएचओ पर डिपेंड होंगे, इसलिए जो खूबसूरत जंगलात आप देख रहे हैं उनके फॉरेस्ट गार्ड पर डिपेंड होंगे, पटवारी पर डिपेंड होंगे, मुंशी पर डिपेंड होंगे, ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड होंगे, ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म होगा, स्टेट ऑपरेशन पर डिपेंड होंगे. कश्मीरी में एक बात कहूँगा, कशरियो शन भजन तांशुआल भाव, शुमाली कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ, 6 बजे तक मीडिया भी आपके पीछे दौड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी दौड़ेंगी, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा. 6 बजे के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, और जब 8 तारीख को मशीनें खुलेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 2014 में महबूबा मुफ्ती ने किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, मैं बिल्कुल इन जंगलों के उस पार, ये हवाएं, फिजाएं, लोगों के चेहरे, आपका मूड, ये कैमरे मुझे बता रहे हैं, पेशेंट को ही कहता हूँ कि अगर बीजेपी को लगा और उमर अब्दुल्ला को लगा कि इंजीनियर रशीद को इतनी सीटें मिली कि कोई चारा नहीं है कि एनसी और पीडीपी हाथ मिलाए, तो मेरी पेशेंट को ही लिख के रख लें, एनसी और बीजेपी सरकार बनाने से गुरेज नहीं करेंगे. और जो चीज़ें महबूबा मुफ्ती ने करवाई, 370 और 35 से हटवाया, उससे भी बड़ी मुसीबतें कश्मीरियों के सरों पर लिखी होगी, क्योंकि इन लोगों के लिए इख्तदार के सिवा कोई और प्रायोरिटी नहीं है. आपकी वसादत से फिर मैं कहता हूं. चलिए, इंजीनियर रशीद को आप सुन रहे थे, जो रिवायती तौर पर ताला भी मार रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, और मीडिया से कह रहे हैं कि 6 बजे तक तो आप दिखेंगे, लेकिन 6 बजे के बाद अफसरशाही होगी, और उसी अफसरशाही के बीच सबको रहना होगा. अच्छा, इशफाक, इससे पहले आप आगे जाएं, एक हमारे व्यूअर हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं कि 6 बजे का उनने जिक्र किया, तो 6 बजे तक वो खुद भी जेल से बाहर हैं, इसके बाद क्या कोई अपडेट? अभी तक उस बारे में कोई अपडेट नहीं, गालिबन उनकी एक एप्लीकेशन गई, अब उसमें क्या कुछ होगा वो देखने लायक होगा. लेकिन जरा बॉर्डर पर चलते हैं, ऋषि खजूरिया हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को. डॉक्टर जितेंद्र बता रहे थे कि जनाब ये वोटिंग जम्मू प्रांत के हवाले से, जम्मू प्रोविंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि इसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, इसमें वो लोग हैं जो पिछले 50-60 साल से इस बात की तकदम कर रहे थे उन्हें भी वोट डालने का हक मिले. अगरचे वो लोकसभा के लिए थे वोट डाल रहे थे, लेकिन असेंबली में वो वोट नहीं दे रहे थे. अब वो पहली बार वोट डाल रहे हैं. हमारे साथ ऋषि ग्राम जीरो से उन लोगों के पास मौजूद हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना वोट डाला, या वो लोग जो वोट डालने जा रहे हैं. ऋषि, क्या कुछ माहौल है वहां पर जहां पर आप खड़े हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं, कितने वोट अभी तक पड़ चुके हैं, और ये जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज पर सभी पॉलिटिकल टीम की नजर है, किस तरीके का रुझान है वहां पर? देखिए गौर साहब, आपको बता दें कि मैं इस समय सांबा जिला के रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ. ये बॉर्डर का इलाका है, ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पर जिस तरह से 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में
चीजें, कई नई चीजें देखने को मिल रही है, जिसमें अहम है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनको अपने वोट डालने का अधिकार जो वो मिल चुका है, मालिकाना हक उनको मिले हैं। तो कुछ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो वोट डालकर आए हैं, जो वोट डालने वाले हैं, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन कुछ तस्वीर मैं आपको पोलिंग स्टेशन से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर काफी उत्साह के साथ जो वोटर्स हैं वो यहाँ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें यहाँ से आप जो वो साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर लें, युवा वोटर्स की बात कर लें, या फिर बुजुर्ग, महिलाएं, बहने, हर वर्ग का वोटर यहाँ पर पहुंच रहा है। और जो कतार यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये वोट डालने वाली कतार है, जो ये तमाम वोटर्स अपना वोट डालेंगे। लेकिन अहम है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अधिकार मिले हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव तो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपको एक स्पेशल हक मिला है, अब आप जम्मू कश्मीर के पूर्ण रूप से हिस्सा है, क्या कुछ कहेंगे? पहली बार आप अपना वोट कास्ट करके आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं जी, जो हमको मौका मिला तो हम पहली बार वोट डाल रहे हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये हक आपको जिस तरह से मिला है तो कितना उत्साह है आपके? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या कहेंगे, आपको भी वोट डालने का हक मिला है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, क्या कहेंगे? सर फर्स्ट टाइम मैंने वोट डाला है, और जो वोट डाल रहे हैं मैं यानी कि माननीय प्रधानमंत्री से यही करूंगा कि बहुत अच्छा हमारे वेस्ट पाकिस्तानी को आगे लाया, तो हमने वोट अपना हमारा राइट दिया, जो मालिक का अखाना दिया, तो गवर्नमेंट से मैं यही अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से और अपने वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, मेरे साथ एक और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, मैं सबसे पहले आपका कार्ड देखना चाहता हूं, जो आपके पास कार्ड था, देखिए मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप वो तस्वीर देखेंगे तो इसके ऊपर वो साफ तौर पर मेंशन की हुई है चीजें, जिसमें ये दर्शाता है कि ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि इनको जो हक मिले हैं उसको लेकर ये सरकार का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि इनको मालिकाना हक के साथ साथ अब इनको पूर्ण रूप से अधिकार जो है वो मिल चुके हैं। मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है। तो ये अहम है इस चुनाव में, जो ये नई चीजें हमें देखने को मिल रही है, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी, क्या कहेंगे, आपको पहली बार वोट डालने का हक मिला है, पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर का आप हिस्सा बने हैं, और कहीं ना कहीं जो टैग लगा था आप फ्यूजी का वो अब हट चुका है, मालिकाना हक भी आपको मिले हैं, और इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार आपको वोट डालने का हक मिला है? देखिए जी, बात ये है कि जो हमें अधिकार दिया है वो सच में बात है मोदी सरकार ने दिया है, और हमने पिछली बार MP का वोट जो BJP को डाला था, और इसमें कोई शक नहीं है मोदी सरकार ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन कुछ खामियां हैं जो जिसकी वजह से हम नाराज हैं BJP से, उस वजह से हम इस बार क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। ये चीज छोड़िए, आपको हक मिला है आपका, ये आप मानते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल मानते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर रहते तो थे लेकिन आपके पास हक नहीं थे, पार्लियामेंट का वोट डालते थे हम। नहीं, मैं किसी वोट डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके हकों की बात कर रहा हूँ। नहीं, उससे पहले नहीं था, नहीं थे। हाँ, ये एक हक आपको मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, अब आपको यहाँ पर नौकरी भी मिलेगी, आपके बच्चों को हर चीज यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उत्साह की बहुत बहुत शुक्रिया। रामगढ़ से हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन किए थे, उन लोगों से बात कर रहे थे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। कोशिश रहेगी कि आगे भी हम दोबारा उनके पास ज्वाइन कर सकें, लेकिन जरा जम्मू के बाकी इलाकों का भी रहेंगे। हमारे साथ शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन की हुई हैं, उधमपुर आपको लिए चलेंगे हमारे साथ, किशोर शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, और ये वो एरियाज हैं जहां पर अब तक पहले 2 से 3 या 2.5 घंटों के दौरान पोल परसेंटेज भी तकरीबन 10 से 15% के आसपास, ये जो डबल फिगर्स में हम कह सकते हैं जा रही है। किशोर के पास चलेंगे। किशोर, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? लोगों के जो कोशिशें अब तक होती रही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिस हिसाब का प्रचार चला, लोगों को एंगेज करने की पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ, लोग आए वोट करें, वो असर, वो प्रभाव बहुत हद तक आपके एरिया में दाएं बाएं नजर आ रहा है इस वक्त सुबह सुबह? बिल्कुल, देखिए आसिफ, हमने सुबह सुबह जब ये वोटिंग स्टार्ट होती है तो काफी जो मतदाता थे मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचे, लेकिन इस वक्त मैं
डस्ट विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो अपने पोलिंग स्टेशनों के बाद पहुंचे हैं, अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। खुद जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो सेलोनी राई हैं उनकी तरफ से हर पोलिंग स्टेशन को जो है वो चेक किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे इस मौके पर पहुंची है। लेकिन आसिफ इस बार हमने ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो नौजवान है वो काफी संख्या में जो है वो बाहर आ रहे हैं। जब हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं तो काफी खामोश वो दिख रहा है, काफी साइलेंट वो दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से उधमपुर ये चार विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि सुबह सुबह जो हर पोलिंग स्टेशन के बाद जो है वो काफी लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो अपना